ये है टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। अम्बा 100% शुद्ध नारियल केश तेल, बूंद बूंद में खरी शुद्धता, सभी कंज्यूमर साइज में उपलब्ध, व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए संपर्क करें अम्बा इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर ए, गरुड़, सिटी ऑफिस, नई आबादी, गरुड़। मोबाइल नंबर 9406608175। हमारा ईमेल आईडी है agrawal.praveen175@gmail.com। जमीनी विवाद में लठधारियों ने बोला हमला, 2 घंटे से मारते रहे लेकिन सामगढ़ पुलिस नहीं पहुंची, पूरा परिवार दहशत में, पुलिस कप्तान को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को जमीनी विवाद के चलते 20 से 25 ने मिलकर एक ही परिवार के 4 से 5 लोगों पर लठधारियों से जानलेवा हमला कर दिया। बदमाश 2 घंटे से मारपीट करते रहे लेकिन गांव के किसी व्यक्ति ने उन्हें छुड़ाने का साहस तक नहीं जुटा पाए। सामगढ़ पुलिस को सूचना देने के बाद भी 2 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। पीड़ित परिवार व सामगढ़ पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया है। शुक्रवार को सामगढ़ तहसील के गांव हतुनिया में रोड़ी वाई गायरी पर व उसके भाई, पुत्री, लड़के व एक अन्य मेहमान पर लठधारियों से जानलेवा हमला। बालाराम पिता कंवरलाल मीणा बालोदा थाना गरोट, किशन पिता कंवरलाल मीणा बलोदा, लक्ष्मी नारायण पिता भेरूलाल बलोदा। हमारा कोई छोड़ा हुआ नहीं आगा ना, दिखाना कोई भी मर जाएगा तो जवाबदारी पुलिस वाला की रहेगी। पुल पे आ जाएगा ना मारी क्या, रात वरत में दिन में तो वहाँ तो इसके घर पर कोई भी रहता ही नहीं, ये लेता है लंगड़ा टूटा भांगा टूटा। कितने लोगों ने हमला बोला था? वो 25-30 जने थे, 2 मोटरसाइकिल, 7-8 मोटरसाइकिल थे, एक जीप थी, एक ट्रैक्टर था, महिंद्रा ट्रैक्टर था। ठीक साहब, ठीक। कितनी देर से पुलिस को फोन लगाया था, कितनी देर में आई पुलिस? पुलिस को हमने 1 घंटा भर से फोन लगाया, 2 घंटे में पुलिस आई। 4 बजे से फोन लगा रहे थे, 6:30 बजे पुलिस आई। और श्याम सुंदर और प्रहलाद पाटीदार ने, वो ईश्वर ने हमारे साथ छेड़छाड़ की और हमको गाली दी नंगी नंगी, और हमको बोला कि मार से जान से खत्म कर देंगे तुम्हें। इतना फाड़ दिया, एक ट्रैक्टर और एक जीप और गाड़ियां बहुत सारी। छेड़छाड़ में क्या किया था? कपड़े फाड़ दिए हमारे और हमारे पेट में दी लाठी की। ठीक, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमित्रा। ठीक है। प्रहलाद पाटीदार निवासी हतुनिया थाना सामगढ़, श्याम सुंदर पाटीदार हतुनिया थाना सामगढ़, ईश्वर पिता लक्ष्मी नारायण निवासी बालोदा थाना गरोट ने अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला किया। इस मामले में 5 आरोपियों पर नॉर्मल धाराओं में मामला दर्ज कर सामगढ़ पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही। आपके साथ? मेरे साथ मारपीट हुई, मार कोई मुँह पैसा देवा आए तो मैं 3 माँ 2 माँ बेटा घर में बैठी थी, 2 घर में बैठी थी ना, मन क्लीन आया जो मार दरवाजा 3 दरवाजा तो गया। कौन आया था? मोला केड़ी का बालोदा का ने, 2 हथुनिया का। तो उसमें कौन था मेन? तो मेन एक तो लच्छू, एक बालू सरपंच, एक है जो मन को भाई किशन, एक है जो प्रहलाद सरपंच ने, एक है जो श्याम सुंदर। कितने लोगों को लेके आया था? वो तो 25-30 लोग लेने आया था। कैसे मारपीट करी? लटती ने, हरियाती ने, कणक, सब नहीं, सभी ना साथ में आए सरिया। किस कारण मारपीट करी, क्यों करी? कारण छीनना सर, जमीन छीनना सर। क्या विवाद है आपके परिवार में? हमारे परिवार में कुछ नहीं लगे, परिवार में कुछ नहीं लगे। हुई पाटीदार ली रहा जमीन, श्याम सुंदर वो प्रहलाद पाटीदार, उसने जमीन ली ने वहाँ बालोदे मोकल दिया, 2 महीना भी गया ने, फिर मारपीट करवा वहाँ मार घर पर मोक दिया। क्या चाहते हो अब आप पुलिस से? क्या चाहते हो? मैं तो वहाँ बंद कराओ, मार घर सब काम इशू करो, मार जमीन सावे सोसर का, मार जमीन सावे के अना का मांडा करना। लड़की 22 साल की लड़की और मुँह पक से विकलान, एक लड़का विकलान, फसल भी काटवा दी रहे वन खेत में है जी ने, 6 जना मारवा आया था, 6 जना को नाम लेकर में 6 जना मारवा आया ना, वहाँ ने मारा ना कि इज्जत का यू कर चोरी के अंडे वन, श्याम सुंदर ने है जो कपड़ा फाड़ दिया ने, बालू सरपंच ने लच्चा ने मारे इंडे है जो मारा कपड़ा नपड़ा नहीं, वो करिया ना मार की मार लट चढ़ाया मारे है तो ये पगा पर कमर पर। ठीक ठीक, अरे सामने देखो, सामने दे हाँ, मगर लगा नहीं दो ही लच्चू का। अब क्या चाहते हो आप पुलिस से? बंद कराओ। ठीक है। हमारे हमारे पापा हमारे पास ही
इस घटना में पीड़ित का पूरा परिवार दहशत में है, जिसको लेकर शनिवार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के नाम पुलिस कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मंदसौर से टाइम्स 18 न्यूज के लिए राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। ये है टाइम्स 18 न्यूज खबर आपके मत